पे कैमरा अच्छा। वो एटीवी पे ऐसी थी? नहीं तो एटीवी आपके जैसी जैसी आपकी घर पे थी। आपके पास घर पे वैसी थी वो वाली? नहीं। ये तो कैसी थी? आपके पास भी तो ऐसी ही है? हाँ तो कलर बस कलर चेंज था लेकिन एटीवी तो सेम थी ना। आपको कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा। हेलमेट लगाया था? हाँ। मजा आ गया? हाँ। से थैंक यू टू मामा एंड पापा आल्सो। अभी हम लोग ने यहाँ पे लंच किया और यहीं एटीवी पे एटीवी राइड किया। ठीक है मंचाऊ सूप नूडल्स थी सो गाइज हमने बाइक एटीपी बाइक राइडिंग करने के बाद हमारा यहीं पर आज लंच भी था। हमको एमएमटी के थ्रू मिला था इधर ही लंच। तो अभी आपने देखा कि लंच में क्या क्या मिला था हमें। ठीक है जो था तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके खा लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अभी टाइम बज रहा है 3:30। ये रही पीछे सैंड क्या? हाँ हाँ ले ली। आप पीछे का व्यू देखो, आपको वेदर दिख रहा होगा। आज फिर से अभी बारिश स्टार्ट हो रही है और बहुत ठंड भी हो गई है और क्लाउड्स आ गए हैं वापस से माउंटेन्स पर। ये रहे हम लोग सभी लोग। हम लोग ने अच्छे से लंच करने के बाद अब हम कहाँ जा रहे हैं? सनलैंड या फिर डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री। चलो ठीक है जहाँ चलेंगे तो पहुँच के बताएंगे। सो गाइस नाउ हम आ गए हैं हुंदर और हुंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ डबल हम्बल कैमल राइडिंग होती है ना। हाँ यहाँ पर बहुत सारे कैमल्स हैं हमारे जस्ट सामने। ये बैठे इधर काफ़ी सारे और शायद हम लोग भी करने वाले हैं राइडिंग। देखते हैं देन इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री। पहले हम लोग करेंगे कैमल राइडिंग, दिखाते हैं आपको आगे। ये रहा हुंदर और ये रहे यहाँ के कैमल जिनके लिए ये फेमस है। ये रहा डबल हैम कैमल, उनकी राइडिंग हो रही है इधर। हम लोग भी करते हैं। आप एक्साइटेड हो? कैमल पे बैठना है बिट्टू को? कैमल पे बैठना है दाइश? यहाँ सोनू ये जा रहे थे कैमल, देखो जरा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। इतने सारे कैमल्स दैश, इतने सारे कैमल जा रहे हैं। ये देखो कैमल का बेबी, ये देखो कैमल का बेबी। ओ ओ इतने सारे कैमल्स, इनकी आवाज ऐसी अजीब सी हो रही है ना, इतनी स्मेल आ रही है। गाइस फाइनली हम कैमल राइडिंग करके आ गए हैं और हम सब अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। हाँ ये कर लो पहले। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे बहुत डर लगा कैमल राइडिंग में जब मैं मतलब उस पर बैठी, तब तो कुछ नहीं हुआ। हाँ तब भी डर लगा क्योंकि 5 कैमल थे, वो साथ में चल रहे थे ग्रुप बना के और हम लोग भी 5 ही लोग थे। भैया जान निकल गई है, मतलब जब वो खड़ा हुआ फिर जब वो पूरे राइडिंग में फिर जब वो बैठा। सबसे पहले दर्द की अपन सुनते हैं, वो फर्स्ट टाइम बैठा कैमल राइडिंग पे। हाँ सबसे अच्छा लगा। हाँ। दर्श फर्स्ट टाइम बैठा है। हाँ। एटीवी बाइक पर भी कैमल राइडिंग पर भी है ना दर्श? हाँ, हाँ देखो आज दर्श कितना स्मार्ट लग रहा है एकदम। अब भैया बताएंगे अपनी। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑन टू राइड ऑन द डबल हम कैमल व्हिच वाज ओनली फाउंड ऑन इन दिस एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सो नाउ जिया जी ओपिनियन, जाओ जाओ जाओ। चलो बताओ बताओ, अब आप अपना बताओ। घोड़ी पे चढ़ा था तब ज्यादा डर लगा था, ऊंट पे उतना डर नहीं लगा। चलो बताओ कैसा लगा? बढ़िया एकदम मस्त मस्त मजा आ गया। मजा के लिए मैं ही तुझे सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी। सबसे मेन यहाँ का चारों तरफ का ये व्यू दिखाओ, पूरा ग्राउंड करके मोबाइल करके व्यू दिखाओ। बैक पे है, बैक कैमरा दिखाओ, घुमा दो ना इसमें। देखो वहां पे तो कैमल। हे
ओके गाइस, तो हम लोगों ने कैमल राइडिंग तो कर ली है। इसके बाद अब यहाँ थोड़ी हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, प्लस सन भी था, तो हमारे मेरे पीछे आप देख सकते हो कितना सुंदर रेनबो आया है अभी। ये देखो, ये रहा रेनबो, बहुत प्यारा सा। सो दर्श ने लद्दाख आके बहुत अच्छी चीज़ें हुई कि दर्श फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठा है, दर्श ने फर्स्ट टाइम कैमल राइडिंग की, दर्श ने फर्स्ट टाइम ATP बाइक राइडिंग की, और दर्श ने फर्स्ट टाइम अपने सामने, मतलब इसके पहले तो बैठा जब वो बहुत छोटा था, अपने सामने दर्श ट्रेन में बैठा है और फर्स्ट टाइम दर्श ने रेनबो देखा। ऐसी 5 चीज़ें जो इधर आके हुई हैं अभी, और देखते हैं आगे क्या होता है। सो दर्श से उसका रेनबो का एक्सपीरियंस भी पूछ लेते हैं। 3 कलर का 7 कलर्स ही तो है, नहीं है दर्श? अच्छा सुनो, दर्श ने आज फर्स्ट टाइम रेनबो देखा, कैसा लगा? वो भी ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ठीक है। Tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together. So guys, हम आ गए थे, लास्ट अपन कहाँ गए थे? हुंदरसिनलैंड। हाँ, जहाँ बनने कैमल राइडिंग की थी, कैमल राइड। हाँ, हम हुंदर से डायरेक्ट अपने कैंपर वापस आ गए थे, और अभी वाइट डिजर्ट मिला था हमें, और कैमल राइडिंग की थी हमने, ये सब हुआ था। उसके बाद हम लोग आज वहाँ डिजर्ट नहीं गए ना, अपन डिस्ट्रिक्ट डिस्किट मॉनेस्ट्री आज कल जाएंगे, सही पकड़े हैं। और ये आज हमारा, मतलब हम ये है हमारे टेंट के बाहर का व्यू, और अभी टाइम पता नहीं, शायद 7:30 बज रहा होगा, और यहाँ पे 7:30-8 बजे तक तो वैसे भी रात नहीं होता है। हाँ, ये तो रहा वॉच, 7:35-40 हो रहा है, और देखो हम लोग सब बैठ के बाहर बढ़िया अपनी चाय पी रहे हैं। यहाँ तो पता नहीं चलता है 7:30 बजे भी इतना दिन होता है। और ये भैया, और बाहर का व्यू दिखाऊं, इतना प्यारा मस्त नेचर वाला व्यू है, देखो जरा, मतलब जन्नत ही बोल सकते हैं इसे तो भाई। पूरे में टेंट है और बढ़िया, इतना प्यारा व्यू है बाहर।